हेलो, गुड मॉर्निंग गाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सुबह के बज चुके हैं 6 और अभी बच्चे सो रहे हैं क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने छोले बनाने थे, इस वजह से मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि मैंने जब बच्चों को दूध बनाया और चाय बनाई थी, मैंने गर्म पानी पिया, थोड़ी देर में बैठ गई क्योंकि सुबह सुबह मेरा बैक पेन होता है तो लगातार काम नहीं होता। मैंने छोले उबालने के लिए रख दिए थे तो छोले उबल गए हैं। अब बनाऊँगी चावल। और बाहर हो रही है बारिश, रोज़ सुबह सुबह बारिश हो जाती है, इतना सारा काम बिखर जाता है, बस पूछिएगा मत। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने आज बड़े कुकर में चावल इसलिए नहीं बनाए क्योंकि बड़े कुकर का जो रबड़ था वो टूट चुका था और दूसरा रबड़ था नहीं, तो इस वजह से आज मैंने पहली बार भगोने के अंदर चावल बनाया। अदरवाइज मैं हमेशा ही कुकर के अंदर एक सीटी में, क्योंकि मेरे को अंदाज़ा है एक सीटी में चावल बन जाते हैं और भगोने में इतना अंदाज़ा नहीं होता मेरे को, बट चावल बड़े खिले खिले बने थे भगोने में भी। और आज मैंने काफ़ी सारे चावल इसलिए बना दिए क्योंकि दोपहर में बच्चे आकर जिद करते हैं कि उनको सुबह भी खाने होते हैं और फिर लंच में भी ले जाने होते हैं, और आकर भी वो रोटियां खाना पसंद नहीं करते, छोले के साथ चावल ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी के लिए प्याज कट कर रही ही हूँ, और एक साइड मैंने छोले के लिए तेल रख दिया है, कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है छौंक लगाने के लिए। छोले अच्छे से उबल चुके थे, 4-5 सीटियों में बहुत अच्छे से पक जाते हैं। और बाहर देख सकते हैं बारिश आकर रुक भी गई है, और बुआ सास सुबह सुबह ही आ गई है। बुआ सास एक दिन पहले आई थी लेकिन आज वो राखी बांधने के लिए सुबह सुबह ही आ गई। हमारी बुआ जी ऐसी ही हैं, मतलब उनको ये नहीं होता कि हाँ तसल्ली से बैठकर राखी बांधे, ऐसे ही चलते फिरते राखी बांध कर जाती है। तो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे, उनको सुबह बांध गई थी, और फिर मैं भी खाना बना रही थी तो आकर किचन में मेरे भी राखी बांध दी थी बुआ जी ने। और आज एक बुआ जी और बुआ जी की लड़की आएंगी, वो दोपहर के अंदर आएंगी, मतलब ये दोनों बुआ एक ही जगह पर शादी हुई है, लेकिन ये पहले इसलिए आ गई थी थोड़े दिन रुक जाए और कल चली जाएगी उस बुआ जी के साथ ही। तो वो बुआ जी ज़्यादा बीमार रहते हैं तो उनकी बेटी साथ आएगी उनके, और अगर मैं हो सके तो आपको दिखाऊंगी वीडियो में, वीडियो बना पाई तो, अदरवाइज़ नहीं तो फिर नेक्स्ट जो नंदे आएंगी रक्षाबंधन वाले दिन उनकी वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं आपको राखी दिखा रही थी कि बुआ जी ने जो राखी बांधी थी, और बुआ जी कह रही थी कि आज पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को मतलब अजीब सा लग रहा था। चाची सास के घर सोती है मतलब बुआ जी, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली है तो सोने में थोड़ी दिक्कत आती है, कहाँ सोए कहाँ नहीं। चाची सास के बेटों की शादी नहीं हुई है तो वहाँ पर सो जाती है बुआ जी। तो अभी वो सुबह सुबह आ गई थी उठकर और राखी बांधी, फिर बोली अब दोपहर में देखती हूँ अगर नींद लग जाएगी तो सुबह सुबह सोऊंगी मैं, मेरे को नींद आ रही है, अजीब सा बीमार है कई दिनों से वैसे वो इस वजह से। तो चावल देख सकते हैं पक चुके हैं, थोड़ा पानी रह गया है तो अच्छे से पक, मतलब पानी को सुखा लूँगी क्योंकि गीले गीले चावल अच्छे नहीं लगते, खिले खिले चावल ही अच्छे लगते हैं। और छोले की ग्रेवी भी अच्छे से पक चुके हैं, अब इसके अंदर डाल देती हूँ जो मैंने छोले थे वो, और आज मैं सारे ही छोले बनाऊँगी। अदरवाइज मैं चाट के लिए रख लेती हूँ, चाट बनाने के लिए आज नहीं रखूँगी क्योंकि अगर बुआ जी वगैरह हमारी इस तरह का खाना खाती ही नहीं है, बीमार रहती दोनों ही बुआ जी, उनकी बेटी आएगी तो रायता बनाऊँगी वैसे मैं, और खाएँगी तो खाना अदरवाइज वो खा के ही आएँगी। तो मैं पहले ही रायता छोले वगैरह बना कर रख लेती हूँ, आटा लगा कर रख दूँगी, अगर खाना खाएगी तो बना दूँगी। तो हमारे लिए सबके लिए बना देती हूँ। आज हस्बैंड की जिया जी की छुट्टी है, बच्चों का स्कूल है, बच्चे स्कूल जाएंगे। अभी दीदी आज पोछा वगैरह नहीं लगा के जा रही है क्योंकि मैं बोली हस्बैंड लगा देंगे, बाद में ही लगाएंगे, बच्चे स्कूल जाने के बाद ऐसा ही रहता है। तो ये सारी चादर वगैरह ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी थी तो मैं सोचा चलो ये लगा लेती हूँ, और छुट्टी की वजह से हस्बैंड भी अभी सो ही रहे थे, 6:30 बजे का टाइम हो रहा था, और बेटा अभी नहाया नहीं है, मैं बोल रही थी जल्दी नहा ले, सभी रेडी हो चुके हैं, वे कह रहे हैं इतने टाइम हो गया। और फिर अचानक से एकदम से जैसे ही मैं ये लगा रही थी, क्योंकि मैंने चावल तो बना दिए थे, मेरा काम हो चुका था, मैं रोटी बाद में सीखूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल में चावल ही लेकर जाने हैं, और बच्चों को ट्राई कलर के फ्रूट रेडी करवाना था, तो इन चावल से मैंने ट्राई कलर के इनके चावल रेडी किए, टिफिन में डाले, उनमें थोड़ा लेट हो गई थी। बेटी को फौजी बनकर जाना था, उनको ड्रेस बनाई, सभी नहाए हैं अभी अभी जस्ट, तो मैं तब तक की टह लगा लेती हूँ, उसके बाद बेटी को रेडी वगैरह करूँगी, उनके चावल डाल लूँगी, 7 दिन की बस आ जाएगी। और अचानक से एक बार 10 मिनट के लिए इतनी तेज़ बारिश आई पूरा आंगन पानी का भर गया था, बहुत ज़्यादा भाई, इतना बुरी हालत हो रही है। बारिश नहीं तो कम से कम 10 दिन हो रही है लगातार, ऐसा दिन जाता नहीं जिस दिन बारिश नहीं आती। तो ये बच्चों के ट्राई कलर के चावल बना दिए थे मैंने, देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में भी चावल, इसको बनाने में इनको रेडी करने में थोड़ा टाइम लग गया, फूड कलर मिक्स करके इनको बनाया था। और यहाँ पर बेटी खड़ी हुई थी कपड़े पे, देखो आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश अचानक से आई थी, 10 मिनट इतनी तेज हो गई थी, पूरा पानी पानी हो गया था। और दीदी अभी नहा कर निकली है, बच्चे स्कूल जस्ट बस में बैठी थी तभी अचानक से मतलब स्टार्ट हो गई थी बारिश, और दीदी अब जाएगी
छोटों का तो नहीं। दीदी पहननी थी साड़ी, लेकिन इस बारिश के मौसम में साड़ी नहीं, क्योंकि आज उन्हें ऑरेंज कलर का मतलब कपड़े पहनकर जाने थी कोई भी, तो उन्होंने उसको याद नहीं था, फिर एक सूट याद आया, उन्होंने एक सूट पहन लिया अपना, उन्होंने सूट ही पहन लिया साड़ी में, तो वो हालत हो जाएगी, मछली गई छपक पानी में, बुरी हालत, सब जगह इतना कड्डे कड्डे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रोड बने हुए हैं हमारे यहाँ पर, चारों तरफ रोड ही रोड बन रहे हैं सड़कें, तो इस वजह से बहुत सारा मतलब पानी भर जाता है जगह जगह पर, दिक्कत आती है। तो मैंने बोला सूट पहन के जाओ, और जिया जी पशुओं को अंदर बांध रहे थे तभी इतने ज़्यादा भीग गए, अभी भीगे ही रहेंगे, और कोचे के पानी रखा हुआ, झाड़ू वगैरह निकाल दी थी, इसको समेटूंगी मैं बाद में, क्योंकि अच्छे से करेंगे क्लीन, थोड़ा मैं डस्टिंग वगैरह आज अपने हिसाब से करूँगी। 7:10 हो गए हैं, हाबी जस्ट दीदी निकल गई है, और दीदी पहन के जानी थी आज साड़ी, ऑरेंज कोट बताया था, बट अभी वो सूट पहन गई है, क्योंकि बारिश बाहर इतना पूरी पानी 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 पानी, पूरा घर इतना मेसी हो रहा है, अभी इसको समेटते हैं, पहले चाय पी लेते हैं। तो दीदी भी स्कूल के लिए निकल गई थी, मैं अपनी चाय बना कर लेकर आई हूँ, आटा लगा कर रख दिया है, फिर बनाऊँगी खाना और किचन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ करके लेके आऊँगी। एक बार बारिश आई और फिर रुक गई थी, अभी हस्बैंड जाएंगे लस्सी लेने के लिए, उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पर बैठ जाएंगे, क्योंकि संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन ही बैठना होता है, वैसे तो ड्यूटी की तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो हो गया है 8:15 का। मैं किचन को बिल्कुल साफ़ करके आ गई हूँ, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए हैं, स्टैंड पर लगा के आ गई हूँ, और किचन की स्लैब वगैरह साफ़ कर ली, खाना बनाऊंगी तब खाएंगे गर्मा गर्म, क्योंकि चावल छोले रखे हुए हैं, आटा लगा के आ गए हूँ, रोटी जब सेकूँगी जब हम खाएंगे सभी। हस्बैंड लस्सी लेने के लिए गए हैं ताऊ जी के वहाँ पर, और यहाँ पर सारा घर मेसी पड़ा है, फटाफट से मैं एक बार पूरे घर को कर देती हूँ क्लीन, बाहर बारिश का मौसम ही हो रहा है, उसके बाद पोछा लगाएंगे। तो मैंने पूरे घर को आज अच्छे से डस्टिंग की है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दीदी घर होते हैं भाग भाग के करके जाते हैं, सारी चीज़ें इधर उधर होती है, सब अलमारी वगैरह में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उठाकर रख दी थी, और सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दिया था, बाहर सूख चुका है, एक बार ही तेज़ बारिश आई थी, अभी हस्बैंड वहीं पर हैं, आएंगे उसके बाद करेंगे, मैंने झाड़ू निकाल दिया। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा था वो 9:45 का हो रहा था, हम अपना खाना लेकर आ गए हैं, खाना वगैरह बना दिया था, रायता बनाया था, छोले चावल रोटी, हस्बैंड भी खा रहे हैं, फिर मैं नहाऊंगी, फिर हस्बैंड आएंगे, और फिर देखते हैं कब आएंगी नंद वगैरह। सो गाइस जो अभी टाइम हो गया है 11:00 हैं, मैं नहा ली हूँ, और अभी बुआ सास पहुँचने वाली हैं राखी बांधने के लिए, और बाहर कभी बारिश का मौसम हो रहा है और कभी धूल जा रहा है, तो बार बाई पर ही मारा था झाड़ू, पोछा नहीं लगाया हमने, अंदर अंदर का पोछा लगाया है। ये फोन देख रहे हैं, जिया जी बैठक में हैं, बच्चे अभी स्कूल से ले आए हैं, 2:30 के करीब बनाएंगे, बेटी आएगी 1:00 के करीबन, राखी बनवाने के बाद ये डॉक्टर के जाएंगे, अभी पहले जा रही थी बट फिर बीच से आ जाती और फिर आज ही जाएगी बुआ जी, तो इस वजह से मैं बोली राखी बनवाने के बाद शाम के टाइम चले जाऊँ, तो आ जाएंगे उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तो तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग, खाना वगैरह हमारा हो चुका है, मिलते हैं बाद में।